हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गेल इंडिया के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यूबीएस ने अपग्रेड किया है गेल इंडिया को, उसके बारे में बात करेंगे। शेयर वैल्यूएशन मतलब सस्ते में मिल रहा है गेल या महंगे में मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और गेल इंडिया का क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस चला है, कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए, सब कुछ हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम यूबीएस की बात करते हैं, बहुत बड़ा रिसर्च हाउस है। उन्होंने गेल इंडिया को अपग्रेड किया है और नया टारगेट प्राइस दिया है 175। और इस रिजल्ट के बाद, या मैं कहूँ कि इस रिपोर्ट के बाद, गेल का प्राइस भी बढ़ा है। उनका ऐसा कहने का है कि स्टॉक में फर्दर अपसाइड की संभावना है। उनका कहने का है कि एक कंसेंसस अर्निंग मतलब जो बाकी के भी जो एनालिस्ट लोग जो गेल को ट्रैक कर रहे हैं, सब कहते हैं कि अर्निंग इसकी बढ़ेगी। तो अगर 10% भी अगर अर्निंग राइज होती है तो भी 20% स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। और दूसरी बात जो गेल के लिए एडवांटेज में है, जो कहा जा रहा है कि उसका वैल्यूएशन जो है वो भी सस्ते में मिल रहा है, मतलब एक तरीके से वैल्यू स्टॉक बन के आपको मिल रहा है दोस्तों। तो जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं गेल आपको सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये है पिछले 15 सालों के जो प्राइस अर्निंग के जो डेटा है गेल इंडिया के दोस्तों। तो आप एवरेज में आप ये वाली लाइन को देखिए, ये वाली लाइन जो है गेल इंडिया के 15 साल का एवरेज पीई रेशियो है, जो कि 12 के आसपास है। मैं यहां लिख देता हूं, ये 12 के आसपास है। और अभी कहां ट्रेड कर रहा है ये गेल इंडिया का स्टॉक, या मैं प्राइस अर्निंग रेशियो कहूं तो अभी ये 8 के प्राइस अर्निंग रेशियो में ट्रेड कर रहा है। मतलब एक 15 साल के भी एवरेज में अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिस्काउंट है ही। 10 साल के एवरेज में ऑलरेडी जो यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 26% का डिस्काउंट है, तो उस हिसाब से भी आपको स्टॉक जो है अच्छे खासे वैल्यूएशन आपको एक एडवांटेज दे रहा है। तो ये सब दोस्तों, ये सब जो छोटे स्निपेट्स हैं वैल्यूएशन और इंपॉर्टेंट लर्निंग, हम शेयर करते ही रहते हैं टेलीग्राम पेज में। तो हमारे टेलीग्राम पेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। अब गेल का बिजनेस क्या हुआ है, देखिए, गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग का बिजनेस है। और जनरली कहा जा रहा है गैस का उपयोग अगले 10 सालों में बढ़ेगा, तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी भी है। पेट्रोकेमिकल की अगर जब हम बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल में 17.5% डोमेस्टिक मार्केट शेयर गेल का है। उसके अलावा लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन का यूज बहुत है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज है दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स के, तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्यूल है। एलपीजी जो है ये भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन जैसे उसके आसपास ही हो गया, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा यूजेज है और काम है जो गेल करती है। फिर एक्सप्लोरेशन का काम करती है दोस्तों, अलग अलग जो गैस की फील्ड को खोजना, ये सब काम जो है 12 ब्लॉक्स हैं इनके, यूएस और म्यांमार में भी इनके फील्ड्स हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है ही, बड़ा काम नहीं है, छोटा ही काम है, 118 मेगावाट का विंड पावर की कैपेसिटी है। तो ये सब कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और अभी जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है, क्योंकि फ्यूल तो बहुत जरूरी है, तो वहां पर गेल का इंपॉर्टेंट काम है। अब हम नंबर्स पर, नतीजे जो आए हैं वहां पर एक नजर डालते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहां मैं डिटेल में बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, जो जो कोविड हुआ था उसके रेस्ट्रिक्शन हुए थे, उसका बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे बिजनेसेस पे पड़ा है, तो गेल पर भी वो प्रभाव पड़ा है। आप वो आंकड़ों में देख सकते हैं। आप ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 में 71,000 करोड़ का ग्रॉस जो टर्नओवर हुआ था, तो 6 महीने जो छह अप्रैल से लेकर सितंबर 2020, ये 25,671 करोड़ हो गया। तो अब देखना पड़ेगा जब इसके रिजल्ट आएंगे ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी जो था 6,621 करोड़ का था, और इन 6 महीनों में प्रॉफिट 1,500 करोड़ के आसपास ही हुआ, तो ये भी देखना होगा। देखिए, प्रॉफिट तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं की जा रही है कि वही 6,600 के लेवल पर आएगा, लेकिन अगर बहुत कम आता है तो स्टॉक नेगेटिव जा सकता है, लेकिन उम्मीद से अच्छा आता है तो स्टॉक पॉजिटिव भी जा सकता है। अब ये दूसरे की रेशियोज हैं दोस्तों, वही 2021 का फर्क, इसको भी पढ़ा है। अब देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू नेटवर्थ 16 था, जो कि ये 6 महीनों में 7 हो गया है। वैसे दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डेटा है पूरे साल का डेटा है, ये खाली 6 महीने का डेटा है, तो ये एक चीज है दोस्तों। अगली चीज आप देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेबल है, ये एक अच्छा खासा एक नंबर आप कह सकते हैं, ये 15 के पास है, ये 6 महीनों में 7 है, तो ये भी अगर बढ़ गया तो फिर एक अच्छी रीरेटिंग हो सकती है। डेट इक्विटी में बहुत चिंता नहीं है, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। गेल का जो रेटिंग है वो भी स्ट्रांग है,
और बहुत ही कंफर्टेबल डेट इक्विटी रेशियो है। 0.09 तो बहुत ही कम है, जो अगर आप पूरी अगर आप बुक की बात करें उसके हिसाब से तो और इनफैक्ट ये जो डेट इक्विटी रेशियो है थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये कंफर्टेबल लेवल में है। ईपीएस ये बहुत जरूरी है देखना कि ईपीएस बढ़ता है या घटता है। देखिए ये 7 से तो ये ऊपर जाएगा ही, जाना ही चाहिए ये 7 से ऊपर, क्योंकि ये तो 6 महीने के रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए। 6 महीने पहले 87 था स्टॉक प्राइस, तो ये अभी तो पुराना हो गया है, अभी तो 160 के आसपास पहुंच गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अभी गेल की अभी बढ़ गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है रिकवरी को समझना, और ये जो टारगेट्स आ रहे हैं वही चीज को देख रहे हैं कि गेल के बिजनेस में रिकवरी होती है कि नहीं, और उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा Q4 का रिजल्ट। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक Q4 के रिजल्ट की डेट आई नहीं है, डेट आएगी हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में और वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि गेल डिविडेंड भी दे। और उसके अलावा लिक्विडिटी जो है बहुत ही स्ट्रांग है, रेटिंग स्ट्रांग है, ये उसके एडवांटेज में है। लेकिन जो फर्क पड़ा है बिजनेस में वो है गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस, जो कि कोविड के कारण इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि आपको बिल्कुल ज्ञात होगा कि अप्रैल से सितंबर बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, पूरा देश ही अचानक से अप्रैल मई महीने में बंद हो गया था, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई थी। तो गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस को भी देखना है, उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ट्रेंड भी देखना है कि भाई आपने फैक्ट्री तो बना दी लेकिन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 50% में हो रहा है, 60% में हो रहा है, क्योंकि 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो तो बहुत अच्छा, और कुछ जगह में जो गेल की पाइपलाइन से 54% के कैपेसिटी में काम कर रही है, तो ये बढ़ रही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ रिस्क है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारा आइडिया आएगा Q4 में, तो चैनल के साथ दोस्तों बने रहिए। गेल पर कुछ भी नया आता है रिजल्ट को लेकर डिविडेंड को लेकर तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और जो छोटे मोटे जो स्निपेट्स हैं वो तो हम वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर शेयर कर ही देंगे। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।